अरे कैसे शांत रहे? हाँ, हमारी बीवी गायब है, मंदिर से अब तक घर ना लौटी है। हमें उसकी बहुत टेंशन हो रही है। हमने पूरा शहर छान लिया लेकिन लेकिन उसका कहीं पता ना चला। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि हमारी हमारी बेटी खूनी नहीं है साहब, खूनी कोई और है और वो अभी भी आपकी गिरफ्त से बाहर है। सब हमें तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं हमारी बीवी को कुछ ना हो जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर, हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिस रात हमारा बिजली से झगड़ा हुआ था, उस रात हम शराब पीने के लिए नदी के किनारे गए थे। हम शराब पी रहे थे, हमें हमें किसी के पैरों की आवाज सुनाई थी। हमने पलट के पूछा कि कौन है, लेकिन लेकिन वो वहां से भाग गया। उस रात साहब हम शराब के नशे में और फ्रस्ट्रेशन में इतना धुत थे कि मैं कुछ ना सोच रहा था। हम बस अपनी शराब पिए जा रहे थे। कुछ देर बाद पानी में फिर से छपा की आवाज आई। हमने पूछा कि कौन है, लेकिन लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। हमने अपनी शराब खत्म करी और हम घर लौट गए। सर, उस रात हमने हमें कुछ रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन हमें अब रियलाइज हो रहा है कि वो पक्का खूनी था साहब, और वही खूनी था जिसने बिजली को मार के उसकी लाश को नदी में धरा दिया था। साहब, उसकी लाश अगले दिन आपको आपको नदी किनारे मिली थी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज आप मेरे साथ चल के एक बार नदी किनारे देख लीजिए साहब। मुझे मेरी बीवी की बहुत टेंशन हो रही है।